अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मूवी ढूंढ रहे हैं, कौन सा मूवी देखना है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद दिस पर्सन। हेलो हेलो हेलो, और आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन वही नाक एकदम अभी सुड़सुड़ी जैसा हो रहा है। सुड़सुड़ी जैसा मतलब क्या बोलूं, बंगाली में बोलते हैं सुसुड़ी होच्छे, मतलब यहाँ पे होता है ना, कल तो था नाक बंद था, गले में इसको बोलते हैं। हाँ तो हम लोग क्या करते थे बचपन पे, छींक लाने के लिए इसी को सुसुरी बोलते नाक में। हाँ तो बचपन पे क्या करते थे, कोई अगर सो रहा है ना तो ऐसा ऐसे करके इसका रुमाल या कुछ भी चीज, रुमाल या फेदर को ऐसे करके इसके अंदर डाल के और छींका जाते वो करते थे। लेकिन आज मेरा वही सेम चीज नॉर्मली हो रहा है, मतलब इसको जरूरत ही नहीं है। आप में से काफी सारे फ्रेंड्स का हो रहा है मुझे पता है, अब कमेंट्स में तो और भी पता चल रहा है कौन कौन सा फ्रेंड का हो रहा है। क्या करें, ये वेदर में होता ही होता है, तो उसके वजह से तो डेली लाइफ तो बंद नहीं होता है ना। वो थोड़ी मतलब ऐसे थोड़ी मौका मिलता है सो के रहूं, वो मौका नहीं मिलता, मम्मी के पास मिलता है। तो अभी आज तो छुट्टी है, हाँ आज छुट्टी है, आज पारसी न्यू ईयर है, तो सांतनु का भी छुट्टी है, सांतनु यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दोपहर में सोया भी नहीं आज, क्योंकि सोऊंगी तो और भी सर्दी लगेगा, तो इसलिए आज मूवी देख रहे हैं। अभी हमने एक मूवी कंप्लीट किया है, वो है तुम्हारी सुल्लू, अमेज़न प्राइम पे देख रहे हैं। बहुत अच्छा मूवी है, इंस्पायरिंग वाला मूवी है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखना है, गर्ल्स के लिए तो एकदम बहुत इंस्पिरेशन। मैंने आज देख के बहुत कुछ सीखा है ये मूवी से। ये मूवी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके देखना चाहिए, एक हाउस वाइफ कैसे करके अपनी विश पूरी करना, वो मतलब मैंने ये मूवी से देख के सीखा है, कैसे तालमेल बनाए रखना पड़ता है हर जब भी दो जॉब करते हैं या दो अगर प्रोफेशन में है, या वो कैसे करके हैंडल करे। मुझे तो लग रहा है ये मूवी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन देगा और लाइफ में ये तो और भी मैं देखूंगी, मैं पहले नहीं देखा था। नॉर्मली मैं थिएटर में मूवी बहुत कम देखती हूँ, काफी सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे आप लोग मूवी देखने नहीं जाते, और नॉर्मली बहुत कम जाते हैं। एक्चुअली मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, सांतनु को भी उतना टाइम नहीं मिलता, घूमने में ज्यादा पसंद करते हैं मूवी देखने से ज्यादा, क्योंकि मूवी देखना होता है थिएटर में जाओ मूवी देखो घर पे आ जाओ, उससे ज्यादा कुछ अपने शहर को घूमू, अपने शहर की जगह पे जाओ, क्योंकि मूवी थिएटर में भी जो खर्चा आएगा, अपने शहर को घूम के भी थोड़ा कुछ अच्छी जगह पे खाने इन्वेंट करें, वो ज्यादा हम दोनों ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्वीटी भी ज्यादा प्रेफर करती है, थोड़ा बाहर चलो बाहर घूमना है। अगर किसी ने ये मूवी नहीं देखा है तो जरूर एक बार देखना, गर्ल्स का घर संभाले, बाहर का काम भी संभाले, या कैसे करके संभालना, कभी लड़खड़ाए जाए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी आता है, वो कैसे करके हैंडल कर सकता है, खुद को हैप्पी कैसे करके करता है। हाँ, सबको हैप्पी करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, सबको आप हैप्पी कभी नहीं कर सकते हो, सांतनु से मैंने ये सीखा, तो सबको हैप्पी करने के लिए खुद को दुखी मत करो कभी भी, सांतनु मुझे हमेशा ही बोलते थे, और मेरी हमेशा ये रहता था सबको खुश रखो। उस चक्कर में मैं बहुत कभी कभार मैं खुद मतलब होता है ना मतलब दुखी हो जाती थी, तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अडॉप्ट किया, नहीं पहले खुद को खुश होना चाहिए तभी मैं किसी और को खुश कर पाऊंगी। थोड़ा सा इमोशनल मूवी है पहले ही बता देती हूँ, एंडिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ अरे नहीं बोलूंगी, सिटी बोले मत बोलो उसका एंडिंग, नहीं नहीं बोलूंगी क्योंकि सस्पेंस खत्म हो जाता है। तो की करू ना, अरे की करू, लेटर मगु अरे तू दिखा पा दी था छाड़ो
तू निजे ना माँ है तो आप दौड़े दिले हाँ शिफ्टी तो बड़ा चिल्ले कहते कि झाप मार दे झाप झाप दे झापा अरे सोर में तो मैं झाप झाप पापा ले झापा तब अरे झापा तो बच्चे ना अरे तुम ही अच्छे खाने ही जिन्हें स्टार चावल तो कर गए तो एक डर बोल तुम्हारे तो कितने जावे एक नहीं कितने जावे थक कर चुके कितने जावे जरा कौन तो रखें दे जाना एकदम প্যান্ডাটা ছবি দিয়ে আছে কেন এখানে দেখো এই যে আছে না নাগেটস আর এই কেটে পুরো পার্পল করে নাগেটস মানে ছেলেটা আরে না তাহলে এই যে এর নাম নাগেটস নাগেট সরি না নাগেটস নাগেটস তো এগুলো আছে খাবার আছে ঠিক আছে নাগেট इसका नाम है नगेट दिखाते हो नगेट क्या नाम है ए देखो क्या है ये तो की बटे पांडा ना अभी थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी खाना बनाने में टाइम लगेगा आज का जल्दी खाना मेनू है जल्दी बन जाएगा और अभी मैंने रात की डिनर का प्रिपरेशन थोड़ा तो कर लिया और बहुत जल्दी इजी वाला बनाऊंगी क्योंकि आज सुबह में एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड से बात हुई थी उसके हिसाब से मैं आज खाना बना रही हूँ क्योंकि उसने आज सुबह में क्या खाया पता है आलू पनीर का सब्जी और पूरी सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट में और तीन दिन में पूरी बहुत खाया जाता है ब्रेकफास्ट में तो उसके बाद खाते बोला देखो हम लोग पूरी खाते ही नहीं है हाँ सचमुच है बंगाली में भी पूरी खाते हैं पूरी आलू दम लेकिन एक्चुअली पूरी बहुत कम खाते हैं अवॉइड करते हैं सुबह स्पेशली सुबह सुबह और बहुत पूरी नॉर्मली कम ही खाते हैं शायद बहुत दिन हो गया मतलब मुझे तो लग रहा है एक महीना हो गया अगर हमने पूरी नहीं खाया वो तो सुन के हंसती है मेरे ऊपर जो तुम लोग पूरी नहीं खाते हो छोले पनीर वर्जन में मैं कैसे करके बनाता हूँ बहुत सिंपल सा बन जाता मस्टर्ड ऑयल डाला उसमें डालूंगी जीरा चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड अनियन हल्का सा गोल्डन फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर जिंजर गार्लिक हल्का सा भूनने के बाद टमाटो को भी मैं दे दूंगी चॉप टमाटो और टोमेटो देने के बाद कुछ देर तक मैंने फ्राई किया अभी सॉफ्ट ऑटोमेटिकली प्रेशर कुकर में हो जाएगा और इसमें मैं डालूंगी चना मसाला और इसमें डालूंगी सॉल्ट छात्र क्या बोल रहे अच्छा सा बनाना बढ़िया से मटर का खुशबू आया देखो शिट अब मटर जैसे थोड़ी खुशबू आएगा छोले छोले जैसे खुशबू और शांतनु को ना छोले हाथ में मैजिक होना चाहिए तब होता है देखो मैं कर दूंगा मटर इसको छोले और मेरे घर पे इसलिए छोले नहीं बनता मुझे छोले बहुत पसंद है और शांतनु क्या बोलते हैं छोले घोड़े खाते हैं वही ना
और थोड़ा उसको हाइड्रेशन करके व्हाइट करके बड़ा करके वो इंसान के लिए बना दिया। छोले बनाने से या पूरी बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसके साथ पनीर तो होना ही चाहिए, या उसके अंदर डालूंगी नहीं तो पनीर पराठा पनीर पकौड़ा ये सब होना चाहिए। उससे ज्यादा छोले कौन बनाएगा? छोले का सबसे थोड़ा कुलचा बनाओ ना। हम कुलचा बनाओ, कुलचा नहीं बनेगा ऐसा वाला दिल्ली वाला कुलचा। तो दिल्ली वाले फ्रेंड ना कुलचा भेजो ना मेरे लिए, आज पनीर घर पे नहीं बनाया। पंजाब सिंह बोल के जो मुंबई पे काफी सारे जगह पे देते हैं उनका ही पनीर रहता है, उनका पनीर मैं मंगवाया है ऑर्डर किया, तो वही बनाऊंगी अभी फ्राई करूंगी इसकी। मंगवाई है सॉरी। नॉर्मली पनीर घर पे बनाती हूँ लेकिन हमेशा याद नहीं रहता, उसके लिए दूध तो होना चाहिए ना, ये दूध एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ता है, तो आज भूल गई थी। ये जो छोले बना रही हूँ, छोले को मैं अभी एक सीटी हो जाने के बाद धीमी आँच पे उसको 30-40 मिनट्स धीमी आँच पे होगा। और अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि और ये फ्राई नहीं होगा, नहीं तो टूट जाएगा सारे पनीर, बहुत सॉफ्ट है इसीलिए ना हो नहीं। चलो इकट्ठा थक भाई ना, किसको किसको सीटी बजाना आता है प्रेशर कुकर के जैसा बताना। तो मुझे वो वाला एक दो हाथ ऐसे करके डाल के सीटी बजाते ना, वो नहीं आता कभी भी, मुझे सिर्फ एक ही वाला आता है बेबी वाला जो सीटी को भी आता है। बताती हूँ ये वाला जैसा होता है ना तोता मिट्ठू को हम लोग, ये एक्चुअली मैंने सीखा भी था, मतलब चिड़िया के साथ बातें करते करते मेरे एक मिट्ठू था उसके साथ बातें करते करते क्यों बोलो किचन, हाँ पता है किस लिए गया है किचन पे पता है, स्वीटी भी गई होगी, गई है पनीर फ्राई हो रहा है, आधा पनीर वहीं से खत्म हो जाएगा। हाँ तो स्वीटी क्या बोलती है पता है, हेलो देखा मैंने बोला ना ये दोनों ऐसे ही करते, मैं पनीर फ्राई करके रखूंगी वो दोनों ऐसे ही खाते रहेंगे। स्वीटी क्या बोलती है पता है, देखो मम्मी हूँ पता चल जाता है, आप पीछे में कोई कुछ कर रहा है, मैं तो इसमें कैमरा में देख रही थी, नॉर्मली ऐसे ही पता चल जाता है थोड़ा बहुत। स्वीटी बोलते आप तो पीछे भी क्या, ये देखो इसका पनीर ऐसे ही फ्राई करके दे दो और पूरी दे दो बस हो जाता है, उसका फेवरेट टिफिन था वो। तो इसलिए क्या स्वीटी बोलती है पता है, पीछे कुछ कर रही है, मैंने बोला स्वीटी क्या कर रही है क्यों कर रही है, तो बोलते आपके पीछे भी क्या दो आंखें हैं, मैं बोला हाँ मेरा ये मुंडी के चारों तरफ आंखें हैं। है देखो स्वीटी को ये वाला आता है किसे, हाँ बहुत चिड़िया जैसा किसे, बहुत जोर से बजाना। अरे मैंने बहुत बार ट्राई किया, एक हाथ से भी ऐसे करके बजाते हैं ना नहीं बजता, पर मेरा बहुत बार फंबल जैसा बज जाता है, फुश करके हवा निकल जाते है। सूटी हंसते रहते इसीलिए मैं तो ट्राई भी नहीं करती। किसको किसको सीटी बजाना आता है बताना, कौन सा जोर वाला सीटी, क्योंकि ये सीटी बहुत काम का होता है, स्कूल में फंक्शन वगैरह हो या बच्चों को इनकरेज करने के लिए या कुछ भी, अपने फ्रेंड्स में कुछ अगर ऐसा मतलब मजाक करना है या कुछ होता है ना पार्टी में कुछ करना है, तो इस टाइम पे ये बड़ा वाला सिटी काम करता है, ये छोटा वाला सिटी तो कुछ इतना दूर तक भी नहीं सुनाई देगा। स्वीटी गई है, फिर से गई है स्वीटी, खाचीस देखो फिर से पनीर खा रही है स्वीटी, देखो फिर से पनीर लेके आ गई। We'll be right back.
छोले बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि मुझे हर जगह का छोले पसंद नहीं है, मैं थोड़ा चूजी टाइप की हूँ। लेकिन पहले मेरा छोले उतना अच्छा नहीं बनता था, नॉर्मल छोले मसाला से बनाती थी। उसके बाद शांतनु ने एक बार ऑर्डर किए थे ये छोले मसाला, तो ये जरूर एक बार ट्राई करना, ऑर्गेनिका बोले एक ब्रांड का, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मेरी जो मंथली ग्रोसरी वीडियो है न्यू वाला उसमें मिल जाएगा। एक बार ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करने के बाद भी आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था बहुत ही अम्मी। और ये क्या खा रहे पता है, ये मैंने शांतनु से ही सीखा था उनके कॉलेज हॉस्टल पे, कॉलेज पे है, कॉलेज जलपाईगुड़ी में छोले भटूरे खाना, हाँ एक रेस्टोरेंट पे, अगर कोई जलपाईगुड़ी से है या वहाँ पे हॉस्टल में थे इंजीनियरिंग में उनको पता रहेगा, एक छोले भटूरे वाले के पास ये अनियन क्यूक्यूम्बर टोमेटो केचप और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये लेकिन बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ, चटनी से भी ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगता है। और आज लड्डू, अश्विनी ने भगवान को प्रसाद दे दिया लड्डू को, बोले भगवान का प्रसाद खाने से कुछ नहीं होता, पेट नहीं बढ़ता, बोले देखो खाने के लिए मतलब हम लोग भगवान को बोलते हैं हाँ भगवान खा लो उसके बाद हम खाएंगे, वही होता है। अश्विनी बोले नहीं नहीं भगवान को कभी कभार खिलाना चाहिए ना अच्छे अच्छे प्रसाद। देखो स्वीटी क्या कर रही है पता है, स्वीटी यहाँ पे टाइल्स एक दिख रहा है आपको बीच में अलग टाइप का है, वो बोल रही है वो वाला पसंद है, कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला, वो अभी उसका हिसाब लगा रही है। और देखो ये दो के बारे में बहुत क्वेश्चन आया था, दिखा दो फिर से आपको, दिख रहा है ये च्यू च्यू, इसका नाक टूट गया, गिर गया था बेचारे, और उसका सर का टोपी के सामने का पोर्शन टूट गया, और ये एक डक है, डक दिख रहा है, क्वैक क्वैक बेस्ट, हाँ देखो स्वीटी आवाज कर रही है, और ये है स्पैरो के सारे बच्चे, दोनों फ्रेंड है और ये इनका बच्चे लेके जा रही है, ये मैं वाले से सिलाई थी देखो कितना सुंदर है, दे ले ठीक कर, रखे दे रखे दे रखे दे रखे दे बाबू ठीक कर, आपको सारा पड़ जाए, वो पड़ जाएगी, दे देखो आवाज कर रही है कैसा जी। और अभी मैं क्या कर रही थी, ये दूध का जो बॉटल का थैली है ना ये देने के लिए जा रही थी, तो स्वीटी मुझे बीच रास्ते में देखा बैठी हुई है, टाइल्स गिन रही है, टाइल्स गिन नहीं रही है, टाइल्स को देख रही है कौन सा वाला डिफरेंट है। চলো ভাগো ভাগো ভাগো। और अभी मैं क्या कर रही थी पता है, मैं इसको ये जो है ना इसको यहाँ पे टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे करके खेल रही थी, क्योंकि स्लिप हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मुझे याद नहीं था इसमें स्क्रीन गार्ड नहीं है, उसके बाद देखा ये स्क्रैच हो जाएगा ना दोबारा, तो उसके बाद ऐसे करके पोंछ के देखा नहीं हुआ है, साथ मेरा मोबाइल है इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास है, मुझे ये मोबाइल उतना पसंद नहीं है, नहीं मम्मी वाला मोबाइल सबसे ज्यादा अच्छा है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखो रेडमी वाला ना, रेडमी 8 नोट 8 ना, रेडमी का कुछ था वो मुझे भी याद नहीं, मेरी इन लॉज के लिए भी मैंने खरीदा, तो वो मोबाइल सबसे मुझे तो लगता है ये सारे मोबाइल से भी महंगा महंगा मोबाइल से भी बहुत अच्छा था वो, 9999 कुछ तो था वो, ऑलरेडी वैसे काफी सारे फ्रेंड्स का पास वो था, तो अगर किसी को जानना है तो मेरी मम्मी जब आई थी वो सारे वीडियो में कोई भी वीडियो में शेयर किया था। आज मूवी वाला डे है क्योंकि कल भी उतना छुट्टी है, सैटरडे है और उतना मतलब होता है ना 3-4 दिन छुट्टी है, तबीयत अभी लग रहा है कोल्ड है, ये तो रहेगा। हाँ आप सब में कुछ फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा अच्छा काढ़ा बोला है, नॉर्मली शांतनु उतना मैसेजेस नहीं देखते, कुछ अच्छा मैसेज आया मतलब कमेंट्स आया तो वो मैं शांतनु के लिए रख देती हूँ दिखाने के लिए, तो आज देख रही थी तो शांतनु ने क्या मैसेज आया काढ़ा लिखा है, तो
तो वो उसके बाद शांतनु बोले अरे यार बहुत अच्छा अच्छा काढ़ा का रेसिपी मिल गया। ऐसे भी रात को जो टी पीती वो काढ़ा से कुछ कम नहीं है, वो काढ़ा ही है ऑलमोस्ट। और भी आप में से काफी सारे फ्रेंड्स और भी काढ़ा मतलब कड़वा कड़वा काढ़ा भी बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि आप बता रहे हो ना वो सारे मुझे पीना पड़ेगा, मुझे काढ़ा ये सब कड़वा चीज मुझे पसंद नहीं है। अदरक भी जब अदरक का जूस मम्मी हनी के साथ पिलाती थी वही मैं बहुत जोर जबरदस्ती ना कान मुंह बंद करके पीती थी। क्यों बताया आप सब मेरे फ्रेंड्स हो ना तो कड़ा का रेसिपी क्यों बताया? कुछ और बता देते अच्छा अच्छा रेसिपी। तो फिर भी अली अच्छा लगा आज आप सब मुझे इतना केयर करते हो, इतना प्यार करते हो। तो अभी स्वीटी बोलिए चलो चलो जल्दी चलो ठीक है अभी पहले देख लो इसको। गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे। कल मैं जो वीडियो था वो तो एंड ही नहीं किया क्योंकि मूवी देखते देखते इतना रात हो गया था मुझे याद भी नहीं था। अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद मैं दो तीन मूवी देखी, तीन मूवी देखी, बंगाली मूवी भी देखी लास्ट में। तो उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, बालकनी में बैठे हैं और अभी बज रहे हैं 10:30। आज सुबह से और भी मतलब नाक बंद है, गला एकदम दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों ये वेदर सुबह के टाइम पे ज़्यादा लग रहा है ये सर्दी वगैरह, शाम के टाइम पे उतना नहीं लगता है मतलब कोल्ड है ना, मुझे लगता है शाम के टाइम पे अभी कल जैसा शाम के टाइम पे लग रहा था शायद ये कोल्ड चला गया, लेकिन उसके बाद सुबह सुबह रोज ही उठ के लग रहा है नहीं अभी फिर से आ गया। और आप सब कैसे हो, वीकेंड कैसे करके इंजॉय किया मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, कहाँ पे कैसा वेदर है वो तो पता चले। देखा पंछियों का कितना आवाज़ आ रहा है, पंछी ने कौवा का आवाज़ आ रहा है, पंछी तो इसीलिए आते नहीं है सुबह, दोपहर के बाद आते, जब कौवा शायद लंच करने या कहीं जाते तब आते। आनंद मिल गया, देखो 15 दिन बाद बाद देते हैं, बंगाली मैगजीन है मुझे बहुत पसंद है, ऐसे क्या दिया आज तो पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में पढ़ूंगी। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है ना तो इस वजह से काफ़ी सारे साड़ी ज्वेलरी का ऐड मिलेगा। ये देखो साड़ी कितना सुंदर है, वाह साड़ी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ये पहनने के टाइम ना सचमुच कोई पहने रहे ना सामने तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, कितना सुंदर है। दुर्गा पूजा में पहनूंगी ना, देखने मिलेगा उस टाइम पे आपको साड़ी, वाओ। तो कलकत्ता में रहते हो तो ढेर सारे अभी शॉपिंग करेंगे, ढेर सारे तो बताना कौन सा किसने कितना साड़ी खरीदा है, काउंट होता है कितना साड़ी खरीदा है कितना सलवार खरीदा है। मुझे जिसने जिस दिन शॉपिंग करोगे उस दिन मुझे ज़रूर आके पहले बताना कमेंट्स करके, जो भी वीडियो आएगा लेकिन उसमें कमेंट्स आना चाहिए आपने शॉपिंग किया क्या क्या किया, कितनी साड़ी खरीदा, कितने ड्रेस खरीदा, तभी आप सब मेरे फ्रेंड्स हो। और दिवाली दशहरे के लिए भी बताना, जो मतलब बंगाली नहीं है वो तो दशहरे के लिए खरीदेंगे ना, दिवाली में है ज़्यादा होता है लेकिन बंगाली में दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा शॉपिंग होता है। या गणपति में अगर बारिश ना हुआ तो पहनूंगी, तो बारिश हो गया तो नीचे इतना पानी रहता है उसमें कौन पहनेगा, क्योंकि गणपति के टाइम बहुत बारिश होती है। दशहरे में आई होप दशहरे में ना हो, दुर्गा पूजा के टाइम ना हो, दिवाली पर भी ना हो, लास्ट ईयर दिवाली से पहले भी हुआ था। आज तो बहुत अच्छा अच्छा ऐड आएगा मुझे पता है, चाय पी लो अदरक वाली चाय बनाए। इधर मजे बेटा कौन बेटा, अरे इधर एक सेंटर मजे हमारे दोटे जा रहे हैं, इधर इधर मजे दोटे दोटे एटा के तो अच्छा होगा, ये तो कलर ना दोटे को
स्वीटी क्या करती है पता है, जब भी कुछ ड्रेस या कुछ भी आता है उसमें बोलती है चूज करो दोनों में कौन सा ज़्यादा फेवरेट है। मैं बोलूँ दोनों बहुत सुंदर है, उसको क्या बोलो, बोले नहीं नहीं चूज करो, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, ये भी पसंद आ रहा है, तो किसको ना बोलो। अभी यहाँ पे बैठ गए क्योंकि चाय पीना हो गया और काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा दोपहर में, सो सिंपल सा थोड़ा सा लंच बनाऊंगी। और अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों का कमेंट्स का तो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाई, सिर्फ हार्ट दे रही हूँ आज। क्या करूँ अभी अच्छा नहीं लग रहा आज एकदम। आप स्वीटी ने सुबह में उठ के नहा के पूजा भी कर लिया, उसका सब काम हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ, अभी करूँगी धीरे धीरे, सैटरडे है ना उतना जल्दी भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, लाइक बड़ा नीचे होता है। अभी मिलेंगे कल के और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज के शाम के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।